उत्तर प्रदेश श्रावस्ती गिलोला ब्लॉक के गांव बेड़सरी ग्राम सभा फतवापुर के निवासी 15 गरीब मजदूर परिवार के लोगों को सन 2011 के बीपीएल सूची में नाम दर्ज है, लेकिन इन सभी गरीब परिवार के लोगों को प्रधानमंत्री आवास के लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। हमारी समस्या ये है कि हमारी ये टूटी फूटी मड़ई रखी हुई है, इससे हम इसे कोई व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। हमें आवास नहीं मिल रहा है, हमको खाना समस्या रहती है, आग लग जाती है तो घर मकान जल जाता है, कभी बरसात में जब होता है तब दीवार गिर जाती है, पानी बरसने लगता है, टपकने लगता है, बच्चे सब उसी में भीग जाते हैं, राशन भीग जाता है, किसान आटा भी खराब हो जाता है, मजदूरी मेहनत करके लाते हैं किसी तरह तो इसी तरह सब बर्बाद हो जाता है। प्रधान लोग जब जाओ तो वहाँ पर कहते हैं कि नहीं मिल पाएगा, ये है वो है कर देते हैं, सूची में नाम है, फिर भी हमारे पास कार्ड भी सब रखे हुए हैं, गरीबी की हर चीज़ के सब कार्ड भी रखे हैं, लेकिन कहीं जाओ तो कहीं सुनवाई नहीं होती है, न प्रधान सुनते हैं न पंच सुनते हैं, और कहते हैं कि 2000 रुपये दीजिए, कभी आ जाएगा तो आ जाएगा, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आवास ना होने से हमको जी आंधी आया, पानी आया, हमारा आटा भी, हमारा कपड़े जो कुछ है वो सारा गीला हो गया, मैं बाहर पड़े हैं, बारिश हो रही है, किसी के घर में मैं जाने को नहीं है। आवास मिल जाने से हमको समस्या सारी दूर हो जाएगी साहब, ना तो आग लगेगा, ना चोरी होगी, ना कोई गुंडेगर्दी होगी, और ना हमारा राशन पानी गीला होगा, ना कपड़े लत्ते होंगे, हम बाहर से आए तो अपने आवास में चारपाई डाल के अपन लेट गए। बहुत प्रयास किया, हमारे ग्राम सभा प्रधान ने 20 साल हो गए, मैं 20 साल के अंदर कभी प्रधानों से कहा कहीं आपका आएगा, फिर हमारा सूची पे नाम आया था जी, हमारे लोग ऐसे चिमचा मिलके वो सूची का नाम कटा दिया साहब, हम 2 भाई का नाम आया था बिकू, सारे हमारे बारे हमारे सभा में सारे आदमी ने देखा और वो सूची का नाम सारा कटा दिया। मैं इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों से हमारी अपील है कि आप लोग गिलोला ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी का मोबाइल नंबर 9454-46-4756 पर कॉल करके दबाव बनाएं और हमारी मदद करें। मैं रईस अहमद, उत्तर प्रदेश, जिला श्रावस्ती, इंडिया अनहार्ड के लिए।